राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सोमेन ब्लॉग्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज का संडे का सब्जी। चलिए चलते हैं खेत के तरफ। अभी से मैं काट लेती हूँ के मदद से। मेरे बगल में शादी है दोस्तों, तो आप लोग को आवाज जाते होंगे बजा कर। ये देखिए दोस्तों, प्याज मैं काट ली हूँ संडा। अब चलती हूँ घर के तरफ। ये देखिए दोस्तों, प्याज का संडा लेकर के मैं घर आ गई हूँ। अब इसे मैं बना लेती हूँ, काट लेती हूँ इस तरीके से। इतना बड़ा बड़ा जैसे सजमन का काटते हैं इस तरीके से। ये फूल को मैं हटा दूंगी। देखिए दोस्तों, प्याज का संडा का सारा मैं कट कर ली हूँ। जिस तरीके से काटते हैं सजमन को उसी तरीके से इतना बड़ा बड़ा हमने काट लिया है। अब इसे मैं वॉश कर लेंगे। और ये है इधर दोस्तों मसाला। मसाला में मैं ले ली हूँ एक घोंट लहसुन का छिलका उतार ली हूँ। ये है 1 इंच अदरक, और इधर है 10 से 20 काली मिर्च और जीरा। ये है धनिया, और ये है 1 चम्मच सरसों। और इधर हम ले लिए हैं टमाटर। टमाटर को पहले कट कर लेती हूँ, तब मैं मसाला पीसने के लिए जाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, टमाटर कटा हुआ हो गया है। और इधर मैं एक मीडियम साइज का प्याज भी मैं कट कर ली हूँ। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं मसाला को सिलबट्टे पर पीसने के लिए। ये देखिए दोस्तों, प्याज को मैं धो लेती हूँ संडे को इस तरीके से। चरा को मैं वॉश कर ली हूँ, अब मैं हटा लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिलबट्टा को मैंने धो लेते हैं। सिलबट्टा को धो लिए हैं, अब मैं मसाला डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मसाला पिसा हुआ मेरा हो गया है। अब इसे मैं उठा लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, चूल्हा मेरा लहर चुका है। चूल्हे पर मैं रख देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म होने देती हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल। 4 चम्मच सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ। अब गरम होने देती हूँ सरसों के तेल को। ये देखिए दोस्तों, सरसों का तेल गरम हो चुका है। मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। अब पचफमा या फिर पत्ता मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को अब मैं गोल्डन होने तक पका लेती हूँ। प्याज मेरा गोल्डन हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला, थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल देती हूँ मसाला को ढो करके कटोरे वाला। और इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी पिसा हुआ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर, मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक,
और इसमें मैं डाल देती हूँ, ये है टमाटर, सबको मैं पका लेती हूँ 2 मिनट कि टमाटर भी मेरा गल जाए, क्योंकि मिक्सी नहीं है मेरे पास, तो मैं रफली कट करके ही टमाटर को मैं डाल देती हूँ मसाले में ही, टमाटर मेरा गल करके मिल जाता है सब्जी में। दोस्तों मसाला मेरा भुना गया है, टमाटर भी कितना अच्छा गल चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ सब्जी और प्याज का संडा, और उसे भी मैं बीच से कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। कितना अच्छा मिक्स कर दिए हैं, मैं इसे मध्यम कर देती हूँ, और इसे नहीं ज़्यादा तेज आँच में और नहीं ज़्यादा धीमी आँच में, मीडियम आँच में इसे पकाना है। दोस्तों मैं इसे ढक देती हूँ, ये देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुका है, अब मैं सब्जी को उभार लेती हूँ। ये देखिए प्याज ने पानी भी छोड़ दिया है और सब्जी मेरा बन करके रेडी हो गया। दोस्तों कैसे लगी प्याज संडा का सब्जी, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में।